हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है भोला। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का सेकेंड उर्दू बुक है जिसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है भोला। उसको हम आज अच्छे तरीके से समझेंगे, इस कहानी को, इस अफसाने को अच्छे तरीके से आज हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक अफसाना है यानी एक कहानी है। स्टूडेंट्स, इस कहानी को लिखने वाले का नाम है राजेंद्र सिंह बैदी। ये ज़िला सियालकोट के रहने वाले थे। इस अफसाने के अंदर उन्होंने अपने घरेलू जो ज़िंदगी थी उसको बयान किया है, और इन्होंने अपनी इस ज़िंदगी के हालात को इस अफसाने के अंदर बयान करके पुराने ज़माने कि जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था उसको हमें याद दिलाया है कि पुराने ज़माने के जो रस्म व रिवाज था वो कैसा था, पुराने ज़माने में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, उन सब को हमारे सामने लाकर रख दिया है। और इन्होंने इस अफसाने के ज़रिए ये भी इशारा किया है कि पुराने ज़माने कि जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था वो कुछ ठीक नहीं था, उसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए और कुछ बदलाव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी को समझने के लिए आपको इस कहानी का जो पूरा मंजर कशी है उसको समझना पड़ेगा। इस कहानी को जो लिखने वाले थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह बैदी। वो एक थे और उनका एक लड़का था, उनका एक बहू थी, उनका एक पोता था और उनके बहू का एक भाई था जो इस कहानी में शामिल है। और उनके जो बहू का भाई था वो अब इनके यहाँ हर साल राखी बंधवाने आया करता था। वैसे आम तौर पर तो राखी बंधवाने के लिए बहन ही जाया करती है राखी बांधने के लिए, लेकिन वो यहाँ हर साल आया करता था उनका भाई राखी बंधवाने के लिए। बस इस कहानी में इसी बात को बयान किया गया है। इस कहानी को अब समझते चलिए, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए कि अगर मैं रीडिंग करता जाऊं तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ लिखते हैं कि मेरी एक बहू थी माया नाम की, जिसका शौहर इंतकाल कर गया था, यानी उनका बेटा इंतकाल कर गया था मेरा बेटा, और बहू बेवा थी। उसको मैंने एक दिन देखा कि वो मक्खन को जो है पानी से बार बार धो रही है, बार बार धो रही है। झाज जो होता है मक्खन के अंदर एक दूध सफ़ेद कलर का जो है पानी पनियाहा टाइप का एक होता है मक्खन के अंदर, वो एक झाज बोला जाता है उसको, छाछ या झाज जो भी बोल दीजिए आप उसको, छाछ बोलिए या झाज बोलिए, तो वो छाछ बोला जाता है। तो उसको वो बार बार धो रही थी ताकि छाछ का जो खट्टापन है मक्खन से निकल जाए। तो ये कहते हैं कि मैंने अपने बहू को मक्खन के छाछ को दूर करते हुए देखा, पानी से वो बार बार धो रही थी। ये कहते हैं कि जब मैंने अपने बहू को छाछ को दूर करते हुए देखा मक्खन से, तो मुझे ये पता चल गया, अंदाज़ा हो गया कि मेरी जो बहू है उसका भाई आने वाला है, यानी दो दिन बाद राखी का दिन था तो वो राखी बंधवाने के लिए आने वाला है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इसका भाई कल आने वाला है, इतने में मेरा जो पोता था वो पोता मुझे आकर ये खबर दे दिया कि मामू कल परसों आने वाले हैं, बाबा जी परसों मामू आने वाले हैं, और मेरे इस ख्याल को उसने सच में बदल दिया। जब मैंने अपने पोते को सामने देखा तो मैंने अपने पोता को उठा लिया गोद में और उसको लाड प्यार करने लगा। फिर उन्होंने अपने पोते की यहाँ से अपने पोते की अच्छाई बयान की है कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसको मैं लाड प्यार करते करते यहाँ तक कि मैं अपने पप्पी देना चाहा, लेकिन दाढ़ी की वजह से वो मुझे पप्पी देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको पप्पी ले ली। फिर उन्होंने भोला से अपने गोद में बैठाए, उन्होंने भोला से पूछा कि भोला जो तेरे मामू जी है, तेरे माता जी के क्या लगते हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं। तो चूँकि वो भोला बच्चा था, उन्होंने कह दिया कि मामू जी लगते हैं। जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी तो वो हंस पड़ी और खिलखिलाकर हंसने लगी।
और जो स्तुतर पढ़ रही थी वो पढ़ना छोड़ दिया। स्तुतर कहा जाता है स्टूडेंट्स, ईश्वर की जो तारीफ की जाती है चाहे जिस जुबान में आप करें उसको स्तुतर कहा जाता है। तो जो वो स्तुतर पढ़ रही थी उसको पढ़ना छोड़कर वो हंसने लगी ये बात सुनकर। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी उस जगह होता तो वो हंसने लगता। इनकी जो बहू थी वो चूंकि बेवा थी, इनके लड़के जो थे वो मर चुके थे, तो इनकी जो बहू थी वो बेवा हो गई थी। अब बहू बेवा थी तो हमेशा गुमसुम रहती थी, तो जब अचानक बहू को खिलखिलाकर हंसते हुए देखे तो इनके दिल में खुशी बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ये खुश हुए। लेकिन फिर भी खुशी होने के बाद फिर इनके दिल में ख्याल आया और इनको ये बात सताने लगी कि जो हमारा जो समाज है, हमारा जो मुआशरा है, ये मुआशरा ऐसा है कि अगर कोई बेवा औरत होती है तो उसको एकदम बुरी नज़र से यानी नीची निगाह से लोग देखते हैं। उसको कोई अगर खुशी से हंस दे या इसी तरीके से खुशी की किसी चीज़ में हिस्सा ले ले, खुशी में शरीक होने नहीं देते हैं ये लोग, तो बुरा समझते हैं। मुआशरा ऐसा बन चुका था, तो उस मुआशरे की कुछ खराबी बयान कर रहे हैं कि पुराने ज़माने का जो मुआशरा था, पुराने ज़माने के अंदर जो रस्म व रिवाज था वो रिवाज कुछ अच्छा नहीं था। तो ये मुआशरा हमारे बहू के लिए भी बाइस नुकसान था कि वो उसको जो है किसी खुशी के चीज़ में हिस्सा लेने से रोकता था। और फिर ये कहते हैं कि मैंने बारहा उसको कहा था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, इसी तरीके से अच्छे अच्छे चीज़ों में हिस्सा लिया करो, खुशी खुश रहा करो, हमेशा हंसते कूदते खेलते हुए ज़िंदगी गुजारा करो। लेकिन मेरी बहू ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप को समाज के ताबे कर लिया था, यानी वो समाज जिस तरीके का रस्म व रिवाज था समाज के अंदर, बहू जो है मेरी उसी रस्म व रिवाज पर वो चलती रही। और उन्होंने यहाँ तक अपना जो कपड़ा था, अच्छे अच्छे कपड़े थे, उन सब चीज़ों को, जितनी भी चीज ऐसी चीज़ें जो जिसमें खुशी का इजहार हो सके या जिसमें बनाव सिंगार हो सके, उन सब चीज़ों को एक संदूक में रख कर उसको ताला से बंद ताला मार दिया उसमें। और चाबी जो है एक छोटा सा तालाब बगल में था उसमें उन्होंने चाबी को फेंक दिया था। जब ये बात उन्होंने अपनी बहू से कही कि बहू हमेशा खुशी खुश रहा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो और जो रस्म व रिवाज है उसके ताबे मत रहा करो, लेकिन माया जो है उनकी जो बहू ये बात मानने को तैयार नहीं हुई। और उन्होंने जैसे कि आमतौर पे बात सुनकर अनसुन हो जाया करते हैं हम लोग की उस बात पर अमल नहीं करते, वैसे ही की और वो हंसकर अपना पाठ जारी रखा। यानी माया जो है उस वक्त जो स्तुतर पढ़ रही थी वो स्तुतर पढ़ना अपना जारी रखा और पढ़ने लगी। फिर उनकी बहू जो स्तुतर पढ़ रही थी वो स्तुतर यही पढ़ रही थी जो मैं आपको जो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यही वाली वो स्तुतर का नाम था। जो स्तुतर पढ़ रही थी हरी हरी, यही स्तुतर था। स्तुतर पढ़ने के बाद उनकी बहू ने अपने बेटे को, अपने भोला जो था उसको जो है प्यार से बुलाकर और कहा कि बेटा तुमको नन्हा जो है, नन्हा इनकी एक और बेटी थी, मैं सॉरी स्टूडेंट्स, मैं बताना शुरू में भूल गया था कि इनका इनके बहू का एक बेटा था और एक बेटी थी जिसका नाम नन्हा था। तो वही इनकी बहू जो है अपने बेटे को बुलाकर पूछ रही है कि बेटा तुम्हारा जो नन्हा है, नन्हा तुमको क्या लगती है? तो उसने कहा, जवाब दिया कि नन्हा तो मेरी बहन लगती है। तो इसी तरीके से ये कहने लगी कि बेटा जिस तरीके से तुम्हारी ये बहन लगती है, इसी तरीके से तेरे मामू का भी मैं बहन लगती हूँ। लेकिन भोला ये बात क्योंकि बचपन था ये समझ ना सका। भोला तो यही जानता था कि एक आदमी रिश्ते के एतबार से एक ही लगता है, एक ही आदमी एक ही वक्त में किसी का भाई भी और किसी का मामू भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो बचपन था, उतना ज़्यादा ज्ञान उसको नहीं था, लेकिन ये समझ नहीं सका। और ना समझने की वजह से इस उलझन में वो पढ़ा भी नहीं और चुपचाप जो है माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। गीता एक पाठ है जो पढ़ा जाता है, तो वो अपने माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। माँ जो है उसको गीता सुनाने के लिए हाँ या नहीं इसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो गीता सुनने के लिए इसलिए इतना इसरार कर रहा था क्योंकि वो गीता का बहुत शौकीन था। गीता सुनना, हमेशा वो गीता सुनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन गीता सुनने की ख्वाहिश वो क्यों रखता था? इसलिए कि वो बच्चा था और बच्चों बच्चों को कहानियाँ पसंद होती है, और गीता के अंदर जो है
अध्याय के आखिर में जो है वो आमतौर पे कहानी बयान किया गया है, इसलिए वो उस कहानी को सुनना चाहता था और बच्चे को ये कहानियाँ पसंद होती है, इसलिए वो भी चाहता था कि मैं गीता सुनूं। तो और जब गीता वो सुन लिया करता था तो वो जाकर दूसरे जगहों पर जाकर उस गीता के अंदर गौर किया करता था, उस कहानी के अंदर जो है वो गौर किया करता था, घंटों घंटों गौर किया करता था। फिर यहाँ से वो अपनी हालत ज़िंदगी को लिख रहे हैं कि मैं खेती बाड़ी करता था तो अपने घर से 6 मील दूर जाना पड़ता था खेत बाड़ी को देखने के लिए, खेती बाड़ी जो करना पड़ता था तो उसको देखने के लिए 6 मील दूर जाना पड़ता था। और एक तो बूढ़ा हो चुका था, दूसरी बात कि मुसीबतों का मारा हुआ था, बेटा सिरोही में चल बसा था, और उसके बाद में मैं बूढ़ा हो चुका था, ज़्यादा बोझ उठता नहीं था हमसे, और बेटे की मौत ने उम्मीद को नाउम्मीद बना दिया था, इसलिए मैं जो है जल्दी थक जाता था। इसलिए मैं जब अपने खेत से वापस आया तो एकदम काफ़ी थकान हो चुका था, काफ़ी मैं थक चुका था, इसलिए आते ही बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही थकने की वजह से ऊंघ आ गई, यानी नींद, हल्की हल्की नींद आने लगी। इतने में मेरी बहू आवाज़ देने लगी कि आप दूध पी लीजिए, दूध पीकर सो जाइएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में मेरा पोता भी वहीं पर फौरन आ पहुंचा और आकर पीठ पर चढ़ गया और बोला कि बाबा जी आप क्या कहानी नहीं सुनाएंगे। लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि देखो बेटा आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, कल दोपहर को मैं आपको कहानी सुना दूंगा। लेकिन उनका पोता जो था जिसका नाम था भोला, वो रूठ कर जवाब दिया कि मैं आपका भोला नहीं हूँ बल्कि मैं आप अपने माता जी का भोला हूँ। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि बेटा दुनिया से पहले ही से चल बसा था, पोते के सहारे जी रहा था, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सुनना चाहता था कि मेरा पोता मुझसे ये कहे कि मैं आपका भोला नहीं बल्कि मैं अपने माता जी का भोला हूँ, बल्कि मुझे हमेशा यही सुनना पसंद था कि वो ये कहे मुझे कि मैं आपका भोला हूँ, माता जी का भोला नहीं हूँ। लेकिन क्या करता, मेरे घर से काफ़ी दूर खेती बाड़ी होती थी, हल लेकर उस दिन चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी थकान हो चुका था और मैं काफ़ी थक चुका था, जिसकी वजह से मुझे उस दिन भोले की ये बात भी बर्दाश्त करनी पड़ी। जब पोता मुझसे रूठ कर चला गया तो उसके बाद मैं आसमान के सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था, यानी एक सितारा नज़र आने लगा, आसमान के जुनूबी हिस्से में एक सितारा नज़र आ रहा था, उसको मैं गौर से देखता रहा। अचानक वो धीरे 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 मद्धम होने लगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता जलने लगा, दिखने लगा ऐसा कि आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था। मैं ऊँघते ऊँघते आखिर में मैं सो गया, मेरी नींद लग गई। जब सुबह हुई तो नींद खुली, और नींद खुलने के बाद में मुझे ये ख्याल आया कि कल रात जब मैंने भोला को कहानी नहीं सुनाया, भोला रूठ कर चला गया, तो भोला ये सोचता होगा कि बाबा ने मेरी बात को ये बात जो किस तरह बर्दाश्त कर ली होगी कि भोला बाबा का नहीं बल्कि माता जी का है, और ये सोचता होगा कि अब बाबा मेरे ख्याल नहीं करते होंगे। इस ख्याल की वजह से फिर वो सुबह होते ही उनकी आँख खुली और वो फौरन अपने पोते के पास चले गए, और उन्होंने जाकर उसको बुलाया कि बोला बोला कि भोला, तो उन्होंने भोला ने ये बात सुनी और रूठापन का इजहार किया, यानी ये दिखलाया कि हाँ अभी भी मैं आपसे राजी नहीं हूँ। लेकिन बच्चे का क्या कहना, बच्चे का तो मूड 1 मिनट में बदल जाता है। उन्होंने भोला को मिठाई की लालच दी, जिसकी वजह से भोला फिर ये कहने लगा कि मैं आपका भोला हूँ, माता जी का भोला नहीं हूँ। और मुझसे राजी होने के बाद जो कंबल मैं ओढ़े हुआ था वो कंबल में आकर वो लिपटने लगा, और मैंने देखा कि उसकी माँ जो है वो स्तुतर पढ़ रही थी, और स्तुतर पढ़ने के बाद जो है वो फिर थोड़ा सा मक्खन जो है वो निकाला और उसको फिर एक प्याले में रख कर, कूजा कहते हैं प्याला को, एक प्याले में रख कर उसको फिर से धोना शुरू कर दिया, और उसने अपने भाई के लिए तकरीबन 1 शेर मक्खन उसने जमा कर लिया। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई,
और इतनी खुशी हुई कि आंखों से आंसू टपकने लगे। एक गमी का आंसू होता है स्टूडेंट्स, और एक आंसू होता है खुशी का। तो खुशी से आंसू टपकने लगे और दिल ही दिल में मैं ये सोचने लगा कि औरत का जो दिल है वो एक समंदर की तरह होता है, यानी उसके अंदर मोहब्बत जो होता है एकदम समंदर की तरह होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे, अगर सब से वो प्यार करती है और सब से मोहब्बत करती है और इतना मोहब्बत करती है, उसके बाद भी वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होता। फिर इतने में मेरा जो पोता था, वो मेरा पोता मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा याद है ना आपका मैं किस बात का बेटा हूँ, कहानी सुनाने के लिए। यानी वो कहानी सुनाने पर इसरार फिर करने लगा और ये कहने लगा कि आपको याद है ना कि आप रात सोते वक्त आप मुझसे क्या कहे थे कि मैं आपको कल दोपहर में कहानी सुनाऊंगा। तो मैं कहने लगा हाँ बेटा मुझे याद है और मैंने आपको कहा था कि कल दोपहर में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। भोला ये जानता था कि बाबा जी कहानी उसी वक्त सुनाते हैं जब वो खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद में एक पलंग था जिस पर वो सोते थे, उस पर जाने के बाद ही वो कहानी सुनाते हैं। जिस पर जो है मैं अपने माता जी मुझे ना चढ़ाएं उस पलंग पे, या बाबा जी ना चढ़ाएं तो मैं उस पर नहीं चढ़ सकता था। तो भोला ये जानता था, इसलिए उसने एक खाने का जो मामूल था वो मामूल से आधा घंटा पहले ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार कर दिया कि माँ जल्दी से खाना निकाल दीजिए, जल्दी से खाना निकाल दीजिए। उसने खाना आधा घंटा पहले ही निकलवा दिया और खाने खाने पर बाबा जी को यानी के दादा को इसरार करने लगा कि आप खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना निकलने के बाद अभी एक निवाला मुँह में तोड़ा ही था कि एक पटवारी यानी एक ज़मीन नापने वाला, आजकल जिसको हम अमीन कहते हैं, एक पटवारी जो है वो आकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहने लगा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी जो ज़मीन है उसको आज ही नापना है, आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर आगे फुर्सत मुझे नहीं मिल सकती है। घर की तरफ जब नज़र दौड़ाया तो देखा कि पोता जो है वो पलंग पर बिस्तर कर रहा है और चारों तरफ से जो है बिस्तर बिछा रहा है। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायतनी पर पांव उठाकर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर से दिली खुशी हुई, और मैंने उसको दुआएं भी दी और पटवारी से कहा कि अच्छा तुम खानकाह वाले कुएं के पास चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे अभी आ रहा हूँ फौरन। जब भोला यानी पोता को ये एहसास हो गया कि बाबा बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं यानी कहानी नहीं सुनाएंगे, तो उसका चेहरा एकदम मध्यम पड़ गया। यानी ऐसा लग रहा था जैसे बाबा सो रहे थे रात में, तो एक सितारे को जुनूबी हिस्सा में देखे थे कि एकदम तेज जल रहा था, धीरे धीरे मांद पड़ गया था जो सितारा, उसी तरीके से उसका चेहरा भी हो गया। यानी एकदम खुश था लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा गया। फिर बहू ने मुझसे आराम करने के लिए कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन उन्होंने बहू से कहा कि देखो अगर आज काम नहीं हो पाया तो ये पटवारी जो है, ये जो ज़मीन नापने वाला अमीन जो है, ये कभी दोबारा जो है बहुत मुश्किल से हाथ आ सकता है, इसलिए अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर एक माह या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए मुझे जल्दी जानी पड़ेगी, आराम भी नहीं करना पड़ेगा, आराम करेंगे तो काम हाथ से निकल जाएगा। उधर भोला की आंखें नम हो रही थी और अपने बाबा को बाहर जाते हुए सुना तो वो रो रहा था, और बाबा की तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा कि बाबा जी मेरी कहानी जो आपने कहा था कि कल दोपहर को सुनाऊंगा, वो कहानी कहाँ गई, आप क्यों नहीं आज नहीं सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो अगर दिन में कहानी सुनाया जाए तो जो मुसाफिर होते हैं ना, जो रास्ता चलकर आने वाले होते हैं रास्ता का सफ़र करके, वो रास्ता भूल जाते हैं। आपका मामा उधर से आ रहे हैं आज राखी बंधवाने के लिए, आपके लिए मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे, अगर मैं आपको आज कहानी सुनाऊं तो आपके मामा जो हैं वो रास्ता भूल जाएंगे। लेकिन भोला था वो ज़िद करने लगा और फिर रूठ गया और वो कहने लगा कि मैं आपका भोला नहीं बनता बल्कि मैं माता जी का भोला बनता हूँ। तो बाबा जी ने सोचा यानी मैंने सोचा, बाबा जी जो थे उन्होंने सोचा कि आज मैं थका हुआ भी नहीं हूँ और 15-20 मिनट आराम करने के लिए भी निकाल सकता हूँ, यानी थोड़ी देर के लिए आराम भी कर सकता हूँ,
तो फिर मैं भोले की ये बात बर्दाश्त क्यों करूं कि मैं आपका भोला नहीं हूं बल्कि माता जी का भोला हूं। पहले से भी मुझे ये बात बर्दाश्त करना पसंद नहीं था क्योंकि मैं भोले के सहारे ही जीता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी बात मान लेता हूं, और मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायतने रख दिया, यानी जो जिस तरफ पांव होता है उसको पायतने कहते हैं, उसके तरफ रख दिया, और अपने जूते से अपने एड़ी को निकाला, यानी अपने पैर को निकाल कर पलंग पर लेट गया। और मैंने अपने पोता यानी जो भोला था उससे कहा कि बेटा देखो, अब कोई मुसाफिर रास्ता भूलेगा या खोएगा तो उसका जिम्मेदार तुम रहोगे। फिर मैंने उसके बाद भोला को कहानी सुनाई, सात शहजादा और सात शहजादियों की कहानी थी, जो बहुत लंबी कहानी थी, उसको मैंने सुनाया। और उसके बाद मैं उसके चेहरे पे कोई ख़ास जो है मुस्कुराहट नहीं देखा, लेकिन अचानक मुझे उसी दौरान याद आया कि अच्छा, उसको भी तो मैंने पटवारी को भी तो कहा था कि चलो मैं जल्दी आऊँगा, और मुझे काम भी कराना है, पटवारी से कहीं वो चला ना जाए, इसलिए वो जल्दी से फिर अपने जूते में पैर डाले और जल्दी से वहाँ से निकल गए। शाम को जब आए तो इन्होंने देखा कि हाँ, मेरा पोता जो है एकदम ठीक ठाक है और एकदम अच्छे तरीके से खेल रहा है। और जैसे ही मैं दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, मेरा जो पोता है वो आते ही उसने खबर दी कि पूछा कि बाबा आज मामू जी आएंगे ना? तो उसने कहा कि हाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे, आज आने वाले हैं। फिर पोता ने कहा कि हाँ आज मामू जी आएंगे और मेरे लिए अगन बूट भी लाएंगे। अगन बूट एक कश्ती है जो भाप से चलती है, उस कश्ती यानी एक खिलौना कह लीजिए, बच्चों को क्या चाहिए, खिलौना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ये कह रहा था, बच्चा ये कह रहा था कि मामू जी मेरे लिए अगन बूट लाएंगे। और उसके बाद में ये लड़का जो है भोला, वो जाकर दरवाजे की दहलीज पर जाकर बैठ गया, ताकि जो अगर मामू जी को मैं देखूंगा तो सबसे पहले यानी मैं आकर खबर दूंगा कि हाँ मामू जी आ गए हैं, सबसे पहले बताने के लिए, बच्चे की आमतौर पर ख्वाहिश रहती है। तो वो जाकर वहाँ पर बैठ गया और मामू का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी रात हो गया, मामू का अभी तक कोई अता पता नहीं चलता रहा। दिन दिन टाइम वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, शाम भी हो चुका लेकिन मामू अभी तक आए नहीं। ऐसे इसी तरीके से काफ़ी शाम हो चुका था और मामू घर नहीं पहुंचे थे अभी तक। आखिरकार काफ़ी रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, तो दिया जलाया गया। फिर जो जो रात ढलता जाता था, इनकी बहू की यानी उनकी बहन की जो परेशानी और बढ़ती जाती थी, और वो भी मुतफक्किराना अंदाज में अपने बाबा जो उनके जो शौहर के जो वालिद साहब थे उनसे पूछने लगी कि अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी अगर आपके घर आ रहा हो और शाम हो जाए काफ़ी और वो नहीं आ पाए तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। इसी तरीके से वो भी अपने परेशान लहजे में पूछने लगी। बाबा जी ने ये कहकर टाल दिया कि मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर अभी तक नहीं आ सके हैं, आ जाएंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी जिसकी वजह से घर के लोग सभी सोने के लिए तैयार हो गए। उनका जो पोता था यानी भोला, वो भी उसकी भी नींद आने लगी और वो भी माँ की गोद में सो गया। और इधर ये भी सितारे को, ये बाबा जी भी थे वो सोने बिस्तर पर लेट गए, और सितारे को घूरते हुए इनकी भी आँख लगने लगी। फिर उन्होंने बहू की एक आवाज़ सुनी, जो बहू जो थी उनकी उनकी आवाज़ सुनी और देखा कि एक कटोरा लेकर, दूध का प्याला लेकर वो खिड़की के पास खड़ी थी। फिर उन्होंने उनको समझाया कि देखो मेरे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाया करो। फिर उन्होंने दूध पीने के बाद उनको दुआ दी, और दुआ यही दी कि आप हमेशा सदा सुहागन रहो। लेकिन चूंकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उनके शौहर मर गए थे, तो ये दुआ उनकी ज़ुबान से निकल नहीं पाई। उनको ख्याल आ गया कि इनके शौहर का तो इंतकाल हो गया, इसलिए वो अपनी ज़ुबान से ये बात न कह सके। और सदा सुहागन रहो ये कहने के बजाय उन्होंने कहा कि तुमको इसका फल ज़रूर मिलेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, सभी लोगों को नींद आने लगी जिसकी वजह से सभी लोग सोने लगे। उसी दौरान जब इनके राखी का वक्त था, तो राखी के दौरान वक्त में मेला लगता है, गांव शहर में मेला लगता है, तो मेले का दिन था और उसमें कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं। इसी तरीके से और भी सामान डकैती होती है, उस वक्त में सामान चुरा कर लेकर चले जाते हैं। इसलिए सोते सोते उन्होंने, बाबा जी जो थे उन्होंने याद दिलाई कि जो दिया है उसको धीमी कर दो और अभी उसको रहने दो, यानी उसको बुझाओ नहीं, इसलिए कि चोर वगैरह का भी
खर्चा है कि वो आकर चोरी करके लेकर चले जाएंगे, इसलिए कि मेले का वक्त है, और ये भी खर्चा है कि बच्चा सोया हुआ है उसको अगवा कर कर लेकर चले जाएं, उठा कर लेकर चले जाएं, इसलिए उन्होंने ये याद दिलाई उनको। और उसके बाद में सभी लोग सो गए। सोने के बाद में जब आधी रात हो चुकी थी, यानी आधी रात गुजर गई और आधी रात अभी बाकी थी, कि अचानक बाबा जी का नींद खुलता है और देखते हैं कि चिराग भी नहीं है। जब चिराग देखा कि बुझ चुकी है, चिराग यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने ऐसे हाथ मारा कि चिराग जल रही है कि नहीं, आगे जाकर देखा, लेकिन चिराग भी नहीं था। फिर उन्होंने फौरन ख्याल आया कि कहीं बच्चे को तो अगवा नहीं कर लिया गया। फिर उन्होंने बच्चे के पास जाकर देखा तो बच्चा भी नहीं था, तो उन्होंने फौरन उनकी माँ को आगाह किया इससे। उसके बाद में उनकी माँ रोने चिल्लाने लगी। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो बहुत चीखती चिल्लाती है। तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई और इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि बेटे का पहले ही से इंतकाल हो चुका था, पहले ही बेटा मर गया था, पोते के सहारे जी रहे थे और पोता भी हाथ से खो बैठे। उधर बच्चे की वजह से माया बेहोश हो चुकी थी, जो उनकी बहू थी वो बेहोश हो चुकी थी, और इनकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। पोते पोता जो गायब हो गया था, जो सहारा था, इसलिए ये भी एकदम सहमे हुए थे, डरे हुए थे एकदम, यानी कि हवास भागता हो चुकी थी कि आखिर क्या हो चुका है हमारे साथ। उसके बाद इन्होंने ईश्वर को भी बुरा भला कहा, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मैं बेहौसला हो जाऊंगा तो इस वक्त जो घर की हालत है, बहू की जो हालत है, वो और धीरे धीरे ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए इन्होंने हौसला करके, जब बहू को होश आया तो उन्होंने कहा कि घर को ख़राब मत करो, यानी अपने अंदर हौसला रखो, बच्चे तो ऐसे गुम हो जाते हैं लेकिन अगवा करने वाले बच्चे को मारते नहीं हैं, बल्कि बच्चे को उसको पालते हैं और पाल कर बड़ा होने के बाद उसको किसी काम में लगाते हैं। हौसला देने के बाद में कुछ लोग तो थाना पर चले गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कुछ फास बहुत मील फासले पर थाना था, तो वहाँ कुछ लोग चले गए और कुछ लोग आधी रात थी उस वक्त, आधी रात गुजरने का इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला और लोगों ने देखा, यानी हम लोगों ने देखा कि भोला के जो मामू आने वाले थे वो अंदर आ रहे हैं, यानी घर के तरफ आ रहे हैं, और उनकी गोद में भोला था, यानी भोला जो था उन्हीं के गोद में था, उनके मामू के गोद में, और भोला के जो उनके मामू के जो सर पर था मिठाई की टोकरियाँ है और एक हाथ में मोमबत्ती थी। जैसे ही हमने बच्चे को देखा, यानी बाबा जी कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे ही हमने बच्चे को देखा कि भोला उनके साथ है, उनके हमराह है, तो हमें ऐसा लगा कि दुनिया की तमाम दौलत हमें हासिल हो गई, दुनिया की हमें तमाम दौलत मिल चुकी है। और उसके बाद माँ तो पहले ही से छटपटाई हुई थी, अचानक उसने बच्चे की वजह से ना भाई के आने की खबर पूछी कि आप कैसे आए, रास्ते में कैसा हुआ, कुछ नहीं, ना मिठाई कुछ नहीं देखी, राखी वगैरह का सब ख्याल ही उसके जहन से निकल चुका था। डायरेक्ट वो बच्चे को जाकर उससे छीन ली और उसे गोद में लेकर चूमने लगी। फिर पड़ोस के लोगों ने मामू की जो थी, उनके उनके भाई जो आए हुए थे, उनको मुबारकबाद दी, और उसके बाद में भाई से खबर खैरियत पूछी, तो उनके भाई ने बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात हो गई थी कि मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी, देर होने की वजह से काफ़ी रात हो गई, जब मैं आने लगा तो वहाँ पर रास्ता भटक गया शाम होने की वजह से, और मुझे देर हो गई, अचानक एक जानिब से जब मुझे रोशनी नज़र आई तो मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ा, जब मैं उस रास्ते की तरफ बढ़ा तो अचानक देखा कि भोला जो है चिराग लेकर खड़ा हुआ था, यानी जो जो रोशनी नज़र आ रही थी उस पर देखा कि भोला है झाड़ी में पड़ा हुआ है। तो उसने भोला से ये बात पूछी कि तुम यहाँ पर चिराग लेकर क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, भोला ने कहा कि मुझे दादाजी ने ये खबर सुनाई थी कि मुसाफिर अगर दिन में किस्सा या कहानी सुनाया जाए तो मुसाफिर आने वाले जो होते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो चिराग जल रहा है वो लेकर मामा के सामने जाऊं ताकि वो रास्ता न भूल पाए, इसलिए कि अगर मामा रास्ता भूल जाते तो ज़िम्मेदार मैं होता, इसलिए कि दादा जान ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूलेगा तो उसका ज़िम्मेदार तुम होगे, जिसकी वजह से भोला जो है वो ये बात सुनकर चिराग लेकर वहाँ तक चला गया था। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के साथ वीडियो का एंड होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अगली वीडियो को भी हम इसी तरीके से डालते रहेंगे। थैंक यू।